गोपाष्टमी पर्व पर माता बाला सुंदरी गौशाला परिसर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे डीसी सिरमौर डॉक्टर आर के परूथी ने विशेष पूजा अर्चना की। जिला मुख्यालय नाहन से 3 किलोमीटर दूर माता बाला सुंदरी गौ सदन में गोपाष्टमी पर्व पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गोपाष्टमी पर्व में हवन यज्ञ के साथ साथ पशुओं को चारा खिलाने की भी व्यवस्था की गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे डीसी सिरमौर डॉक्टर आर के परूथी ने विशेष पूजा अर्चना की तथा गाय को चारा खिलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान आसपास के क्षेत्रों से आए लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और गौ पूजन भी किया। उपायुक्त सिरमौर ने कहा कि माता बाला सुंदरी गौ सदन को मॉडल गौ सदन बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि गाय के गोबर और गौमूत्र से बनने वाले उत्पादों को यहां डिस्प्ले भी किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गौ सदन परिसर में एक ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा, जहां पर जिला व प्रदेश के किसानों को कंपोस्ट बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। डीसी सिरमौर ने ये भी कहा कि इस ट्रेनिंग सेंटर के स्थापित होने से निराश्रित पशुओं के संरक्षण के लिए मील का पत्थर साबित होगा। पर्व है शास्त्र अनुसार जब कृष्ण भगवान जी 6 वर्ष के हुए थे तो फर्स्ट टाइम जब गाय चराने के लिए गए थे वो उस उपलक्ष में गोपाष्टमी का जो आयोजन यहाँ पे SPCA नाहन ने किया है। यहाँ पे जो गौशाला है यहाँ पे सभी लोगों को खासकर सीनियर सिटीजन्स को यहाँ आमंत्रित किया है। लोग अपनी गायें बाहर ना छोड़ें, निराश्रित पशु ना हों, इसके लिए ये पर्व जो है उनको एक संदेश देने का काम करेगा। और इस गौशाला को हम एक मॉडल गौशाला और टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित करेंगे। आने वाले समय में जो गाय के गोबर से या गौमूत्र से जो भी प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ पे डिस्प्ले भी किए जाएंगे, सेल भी किए जाएंगे। वो जो वर्मी कंपोस्ट और बाकी कंपोस्ट बनती हैं उसका ट्रेनिंग सेंटर होगा। सभी जो हमारे नाहन के किसान हैं या प्रदेश भर से जो किसान हैं या आसपास के प्रदेशों से जो आना चाह रहे हैं यहाँ पे उनके लिए ट्रेनिंग का आयोजन करेंगे, जो ताकि कम से कम हमारे जो पशु हैं निराश्रित हों। जिसके पास पशु उसको ये लगे कि पशु मेरे लिए बेकार नहीं है, उसका गाय का गोबर और गौमूत्र उसके लिए एक आवश्यक निजी संपत्ति है, जितना संभाल के रखेगा मुझे लगता है तभी कम से कम हमारे को रोड पे सड़कों पे गांव में कम से कम निराश्रित पशु देखने को मिलेंगे। और गोपाष्टमी का पर्व उस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा, ऐसी मैं उम्मीद जताता हूँ। लाइव टाइम्स टीवी के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।